In this video, we are going to discuss the topic partnership deed. When we talk about the word deed, deed means written agreement. Okay? Partnership deed, it is the written agreement which specifies the terms and condition that govern the partnership. मतलब बहुत सी बार होता क्या है कि जैसे हम पार्टनरशिप के थ्रू कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस करते करते लड़ाई झगड़े होना लाजमी है। जैसे कहा जाता है कि अगर एक घर में बर्तन है तो आवाज तो आएगी आएगी। इन द सेम सेंस पार्टनरशिप में दो तीन पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं, अब दो चार पांच दस जब पार्टनर मिलके काम करेंगे तो फिर लड़ाई झगड़े होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सब चीज रिटर्न में कर लेते हैं कि जिससे फ्यूचर में किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े ना हो। तो जो रिटर्न में एग्रीमेंट तैयार होता है उसी एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड का नाम दिया गया है। इतनी बात क्लियर है? सो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट, लिखित में एक एग्रीमेंट है दैट गवर्न्स द पार्टनरशिप, जिसके सहारे या जिसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप चलाई जाती है। अब बात आती है कि पार्टनरशिप डीड में होगा क्या क्या और क्या ये करना कंपलसरी है। तो पहले आपको क्लैरिफाई कर दीजिए कि पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल होती है, ये पार्टनर्स की मर्जी है कि वो एग्रीमेंट बनाए या ना बनाए। बिकॉज पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, नॉट स्पेसिफाइड वेदर इट इज रिटन और वेदर इट इज ओरल। सरकार कहती है, कानून कहता है कि आप ओरल भी पार्टनरशिप कर सकते हो, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप एग्रीमेंट किस तरीके का चाहते हो, रिटन या ओरल। तो इट मीन्स ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहते मत करो। Now, those who are having a partnership deed, वो लोग जो पार्टनरशिप डीड को बनाते हैं तो उस समय लिखते क्या क्या है, किन किन बातों के ऊपर एग्रीमेंट किए जाते हैं। सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, की पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है। नंबर वन, नेम ऑफ द फर्म, कि सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में फर्म का नाम रजिस्टर्ड होता है कि हमारी पार्टनरशिप किस नाम से चलेगी, सो एंड सो जो भी। Then nature of business. When we talk about nature, there are two kinds of nature. One is trading, one is manufacturing. When we talk about trading, trading का मतलब होता है बना बनाया सामान लाए और आगे बेच दे। जैसे कि आपकी गली में कॉलोनीज में रिटेलर्स होते हैं, परचून की दुकान होती है जहाँ से आप मैगी खरीदते हो, कोल्ड ड्रिंक लेते हो, तो वो लोग बनाते तो नहीं है, बना बनाया होलसेलर से लाते हैं और आगे आप लोगों को सेल करते हैं, उसे कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है? और इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग वाले रॉ मटेरियल लाके उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करके बेचते हैं। तो रिटन एग्रीमेंट में हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि हम बिजनेस ट्रेडिंग का करने वाले हैं या मैन्युफैक्चरिंग का। क्लियर? देन कमिंग ऑन टू लोकेशन ऑफ बिजनेस, लोकेशन का मतलब जगह जहां पे हमारा ऑफिस होगा, जगह जहां पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होंगी। हमारा ऑफिस कहाँ से रजिस्टर्ड होगा, किस स्टेट से रजिस्टर्ड होगा। वो बहुत सी बार होता है क्या कि हमें, सपोज मैं उत्तराखंड को बिलोंग करता हूँ तो उत्तराखंड से मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, यूपी से मिल गया, तो हमने रजिस्टर्ड तो यूपी में कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग उत्तराखंड में बना ली। तो इस तरीके से लोकेशन मतलब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। देन ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस जो होती है, पार्टनरशिप डीड जो होती है उसमें ये भी मैंशन किया जाता है कि हम कितने समय तक पार्टनर्स की फॉर्म में रहने वाले हैं, ड्यूरेशन का टाइम पीरियड कितना। इसके भी अलग अलग कंसेप्ट हैं, कभी ड्यूरेशन आपकी गोल के हिसाब से होती है, कभी टाइम पीरियड के हिसाब से होती है। तो अलग अलग तरीके से ड्यूरेशन होता है कि कितने समय तक पार्टनरशिप का बिजनेस रहेगा। देन इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड में ये भी क्लियरली मेंशन होता है कि किस पार्टनर ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्टनर। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, की बिजनेस कमाने के बाद, बिजनेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा उसे आपस में कैसे शेयर किया जाएगा। देन ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर, की अगर आप पार्टनरशिप में हो, आप एक्टिव पार्टनर हो, आप स्लीपिंग पार्टनर हो, उस केस में आपकी क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी, क्या क्या ऑब्लिगेशन रहेंगी, मीन्स आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, किस किस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये बातें सब लिखी रहेंगी। देन सैलरी ऑफ पार्टनर, नॉर्मली पार्टनर को सैलरी नहीं मिलती, जो भी पार्टनरशिप से कमाया जाता है प्रॉफिट उसका हिस्सा दिया जाता है। इन केस अगर कोई पार्टनर और पार्टनर्स के कंपैरिजन ज्यादा काम कर रहा है तो वहां पे पार्टनर्स मिलके एग्रीमेंट कर लेते हैं कि चलो भाई जो ज्यादा काम करेगा उसे हम प्रॉफिट का हिस्सा तो एज इट इज देंगे, लेकिन साथ में सैलरी भी देंगे उसके एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए।
तो सैलरी कितनी दी जाएगी, ये सब चीज आप एग्रीमेंट में पहले ही लिख सकते हैं। टर्म्स ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कि जब कोई बिजनेस में नया पार्टनर आएगा तो उसका क्या टर्म्स कंडीशन होगी, कैसे किसी पार्टनर को एडमिट किया जाएगा, उससे मुझसे क्या क्या चीज चार्ज करनी है, कितना पैसा लेना है, कितना गुडविल लेनी है, कोई रिटायर हो रहा है, कोई पार्टनरशिप को छोड़ के जा रहा है तो उसे पेमेंट कैसे करनी है, क्या उसे पेमेंट ऑन द स्पॉट की जाएगी या उसके पैसे को लोन मान लिया जाएगा कंपनी के ऊपर, वो सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिख ली जाती है। देन कमिंग ऑन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे उस पर ब्याज देना है क्या कंपनी ने, तो जो पार्टनरशिप है आपको ब्याज देगी, आपको पैसे अगर देगी तो कितना परसेंट देगी। इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर लेता है, ड्राइंग पैसा निकाल लेता है, तो उस पर इंटरेस्ट लेना है लेना, मतलब मालिक के पैसे पे ब्याज देना है, मालिक ने जो ड्राइंग निकाली उस पर ब्याज लेना है, ये सारी बातें पहले ही डिसाइड कर ली जाती है। देन प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन, किसी कारणवश अगर हमारे बीच में म्यूचुअल कंसेंट नहीं हो पाता और हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं, तो अगर हमें पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी पड़े, खत्म करनी पड़े, कंपनी बंद करनी पड़े, तो उस केस में डिसोल्यूशन का क्या तरीका होगा, क्लियर है। और इसी तरीके से प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, की हम लोग जो खाते बनाएंगे, खाते का हिसाब जो करेंगे, उसकी अकाउंटिंग ये कौन सा फॉलो करना है, इस तरह की और भी बहुत सी बातें पार्टनरशिप डीड में लिख ली जाती हैं, जिससे कि ये क्लैरिफाई हो जाए कि आने वाले समय में कोई बंदा या जो भी पार्टनर्स हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। सो दिस इज द पार्टनरशिप डीड, दैट इज रिटन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स।